हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है एक और खतरनाक सी वीडियो में। और गाइस सर, आज हम सुबह सुबह जीतने जा रहे हैं बहुत सारा पैसा। वो देखो, सामने हमारा सारा का सारा पैसा पड़ा है। यहाँ पर आयरन मैन और ड्राइवर दोनों के दोनों आ चुके हैं। तो गाइस सर, मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है। ड्राइवर और मेरे बीच में शर्त लगी थी कि कौन ज्यादा अच्छा ड्राइवर है, तो हम दोनों रेस करने वाले थे। और उसी टाइम आयरन मैन आके बोला कि हम दोनों में से जो भी जीतेगा उसको मिलेंगे पूरे के पूरे 100 मिलियन डॉलर्स। और कैसर, ये सारा का सारा कैश यहाँ पर आ चुका है। और आज हमारी रेस का दिन। तुमने बिल्कुल सही कहा, आज तुम्हारी रेस होने वाली है ट्रेवर वर्सेस फ्रैंकलिन की। और तुम दोनों में से जो भी जीतेगा उसको 100 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे। जीतूंगा तो मैं ही, देख लेना। तो मैं क्या यहाँ पर घूमने आया हूँ, जीतने तो मैं ही वाला हूँ। तो कैसर, 100 मिलियन मिलने के बाद हम क्या क्या करेंगे, बस मैं वो सोच सोच के खुश हो रहा हूँ। नया घर, नई गाड़ी और भी पता नहीं क्या क्या हमें मिलने वाला है। उसके लिए हमें इस रेस को जीतना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से बाइक पर बैठ जाते हैं और हेलमेट पहन के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं इस रेस को कंप्लीट करने के लिए। फ्रैंकलिन के बच्चे, मैं तुझे हरा के रहूंगा। तो याद रखना, पूरे लॉस सैंटोस का तुमको मैप मिल चुका है, जहाँ जहाँ पर तुम्हें जाना है। जो भी जीतेगा उसको मिलेंगे 100 मिलियन डॉलर। तो क्या तुम तैयार हो? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। हम बिल्कुल तैयार हैं। शिनचैन और मैं तो बिल्कुल तैयार हैं इस रेस को जीतने के लिए। मैं भी तैयार हूँ, शुरू करो रेस को। ओके, रेस को शुरू करते हैं। 3, 2, 1। लॉस सैंटोस पुलिस, जो भी तुम कर रहे हो रुक जाओ। अरे ये क्या, पुलिस कहाँ से आ गई? यहाँ पर क्या चल रहा है, इतना सारा पैसा कहाँ से आया? क्या यहाँ पर इल्लीगल रेस चल रही है? अरे हाँ, अरे नहीं, यहाँ पर कोई रेस नहीं चल रही है, हम तो यहाँ पर रील बना रहे हैं। क्या रील बना रहे हो, इतने सारे पैसे के साथ? अरे सर, ये सारा का सारा पैसा तो नकली है। अरे क्या नकली है? अरे तो आपने हमको क्यों बोला कि हम जीत सकते हैं? ये बच्चा क्या बोल रहा है? अरे सर, मैं तो नकली पैसा जीतने की बात कर रहा था। अच्छा ठीक है, पर अगर मुझे पता चला यहाँ पर कोई रेस हो रही है तो मैं आयरन मैन तुझे जेल में डाल दूंगा, याद रखना। अरे नहीं नहीं सर, यहाँ पर कोई रेस नहीं हो रही, बाय बाय। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ इल्लीगल हो रहा है, चलो चलते हैं। ये रेस कैंसिल करो, अभी कैंसिल करो। अरे आयरन मैन, ये क्या बोल रहे हो तुम को ये सारा पैसा देने वाले थे? मैं तो बोल रहा हूँ 50-50 कर लेते हैं। नहीं, मैं पूरा का पूरा लेके जाऊंगा। रुक जाओ, मैंने बोला ये रेस कैंसिल करते हैं, ना कि ये चैलेंज। तुम दोनों को अभी भी मौका मिलने वाला है ये 100 मिलियन डॉलर जीतने का। क्या, वो कैसे? अभी बताता हूँ कैसे। तो तुम्हारा स्वागत है अगले चैलेंज में, 100 मिलियन डॉलर जीतने में। हम रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो इल्लीगल है, इसलिए हम एक लीगल काम करने वाले हैं। अरे क्या करना है, जल्दी बताओ, मुझे ये सारा का सारा पैसा चाहिए। ये काम जल्दी नहीं होगा। अगर 100 मिलियन डॉलर जीतने तो तुम्हें 30 दिन का चैलेंज करना पड़ेगा। क्या 30 दिन का चैलेंज? 30 दिन में तो मैं करोड़ों कमा लूं। हाँ तो फिर जाओ यहाँ से। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, बताओ बताओ क्या करना है। तो मेरी बात सुनो, ये चैलेंज होने वाला है एक रेस्टोरेंट चैलेंज। मैं तुमको लॉस सैंटोस की अलग अलग साइट पे एक एक रेस्टोरेंट खोल के दूंगा। तुम दोनों को उस रेस्टोरेंट को चलाना पड़ेगा और 30 दिन तक हम वेट करेंगे। जिसका रेस्टोरेंट सबसे अच्छा चल रहा होगा वो जीतेगा ये खतरनाक 100 मिलियन डॉलर का प्राइज। क्या, अब 100 मिलियन के लिए रेस्टोरेंट चलाना पड़ेगा? मैं तो तैयार हूँ, अगर ये तैयार नहीं है तो मुझे पैसा अभी दे दो। अरे नहीं, मैं भी तैयार हूँ। हम भी तैयार है, हम रेस्टोरेंट चला लेंगे। बहुत बढ़िया, तो मेरी बात सुनो, तुम जल्दी से अपने रेस्टोरेंट के बाहर पहुँचो। वहाँ पर तुम्हें एक जना मिलेगा जो तुम्हें सब का सब सिखा देगा तुम्हें क्या करना है। और मैं तुमसे मिलूंगा 30 दिन बाद इसी जगह पर। और जिसका रेस्टोरेंट सबसे बड़ा और सबसे अच्छा चलने वाला होगा उसको मिलेगा ये 100 मिलियन डॉलर का प्राइज। तो जाओ अपना रेस्टोरेंट चलाओ। तो गाइस सर, अभी आप देख सकते हो हमें अपना चैलेंज यहाँ पर मिल चुका है। हमें चलाना है एक रेस्टोरेंट 30 दिन के लिए, और उस 30 दिन में हमें उस रेस्टोरेंट को बहुत ही अच्छा चलने वाला रेस्टोरेंट करना पड़ेगा। आप देख लेना, उस रेस्टोरेंट को हम 5 स्टार
रेस्टोरेंट बना करेंगे। पर सबसे पहले उधर पहुंच जाते हैं, उसने बोला कि वहां पे हमें अंकल मिलने वाले हैं जो कि हमें सारी की सारी चीजें सिखाएंगे। शिनचैन जल्दी जल्दी आ जा, हम जाने वाले हैं अपने नए नए रेस्टोरेंट पर। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो हम अपने रेस्टोरेंट के पास पहुंचने वाले हैं, और ये वही अंकल है जो कि आयरन मैन ने बोला था इनसे बात करनी है। अंकल फटाफट से चाबी दे दो, ये रहे हमारी नए नए रेस्टोरेंट की चाबी, और फटाफट से अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं, 5-star रेस्टोरेंट। जल्दी से लाइट चालू करते हैं। मुझे लगा था सीधा सीधा रेस्टोरेंट मिलेगा, उसको उठा के हमें बस चलाना है, पर यहाँ पर तो हमें पूरा का पूरा शुरू से शुरू करना पड़ेगा, यहाँ पर पोछा भी लगाना पड़ेगा। शिनचैन तू पोछा लगा, मैं कचरा उठाता हूँ। ओके फेंकी भी है, हम दोनों मिलकर इस रेस्टोरेंट को चलाएंगे और वो $100 million जीत के रहेंगे। हाँ शिनचैन तू बिल्कुल सही कह रहा है, $100 million हम जीत के रहेंगे। फटाफट से इसको उठाते हैं, इधर डालते हैं, और इस फटाफट से फ्लोर को भी साफ कर डालते हैं, और ये बढ़िया सा साफ हो गया, और इधर भी कर देते हैं, मैं बहुत ही बढ़िया पोछा लगाता हूँ। तभी तो फेंकी मैं पोछे वाले हूँ। अबे क्या पोछे वाला नहीं हूँ मैं। तो देखते हैं हमारे पास एक खतरनाक सा टैबलेट है, और यहाँ पर हमें क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर हमारे पास है पेंट, इसको हम बाय कर सकते हैं और अपनी सारी दीवारों पर पेंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री वाला पेंट है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अपनी वॉल को भी फिक्स कर सकते हैं जो कि यहाँ पे टूटी-फूटी है। यहाँ पर जो ये बीच में से फ्लोर गायब है ना, इनको हम भी यहाँ पर लगा सकते हैं। डन। तो गाइस धीरे-धीरे हमारा ये सब का सब साफ हो रहा है। अब बारी इनके फर्नीचर को हटाने की। हमें ये फर्नीचर यहाँ से हटाना चाहिए, फटाफट से यहाँ से फेंक देते हैं इसको। इसको मैंने बेचने का ट्राई किया पर सिर्फ $0 में ये बिका है। और देखते हैं हमारे पास क्या है, ये भी पूरा का पूरा टूटा हुआ है, तो इसको भी यहाँ से निकाल देते हैं। तो गाइस फर्नीचर्स में आप देख सकते हो तो यहाँ पर टेबल्स भी आ चुकी है, तो मेरे पास टोटल 5000 कॉइंस है, तो मैं यहाँ पर एक ही बड़ी टेबल ले लेता हूँ। हम यहाँ पर लेंगे, एक सेकंड, इसमें कलर भी कर सकते शायद। ओके यहाँ पर हम कलर भी कर सकते, तो कौन सा कलर करा जाए। ये ग्रीन अच्छा लग रहा है, पर अभी मेरे पूरे रेस्टोरेंट का कलर बहुत ही बेसिक फूड कलर है, तो अभी हम ये वाला कलर ले लेते हैं। और इसको कहाँ पर लगाया जाए, मुझे लगता है यहाँ पर लगाना सही रहेगा। फटाफट से इधर यहाँ पर लगा देते, 300 रुपए की हमारी लग चुकी है, और एक छोटी वाली भी ले लेते हैं, इसका कलर भी बिल्कुल सेम मिलेंगे। और इसको हम यहाँ पर बीच में लगाने वाले हैं, और जब अगली हम लेंगे ना तो उसको साइड में लगा देंगे। अभी हमें यहाँ पर एक सिंक भी चाहिए लगता है, ये आ चुका है, हमें ये चाहिए होगा यहाँ पर। इसका भी कलर लेना पड़ेगा, बढ़िया सा कलर लेते हैं, ये वाला अच्छा लग रहा है, लेट्स गो। फटाफट से इसको यहाँ पर लगा देते हैं। डन। और गाइस अभी हमें पूरी की पूरी शॉपिंग हमें करनी पड़ी है। ए देखी मैं, हमें चाकू रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। हाँ चाकू रखने के लिए भी हमें कुछ चाहिए, और हमने वो भी यहाँ पर खरीद लिया है। और चाकू हम कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे, लेट्स गो, ये भी हमने ले लिया। तो गाइस हमारा रेस्टोरेंट धीरे धीरे वापस से अच्छा लगने लग चुका है, आखिरकार ये रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है। और अभी हमें जाना है मार्केट, और ये मार्केट कहाँ है, ये ना बगुशलू मार्केट। अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर अपने किचन के लिए टूल्स लेने, तो फटाफट से चलते हैं अंदर, टेक द बॉक्स। ये बॉक्स हमें मिल चुका है, वापस से अपन चलते हैं रेस्टोरेंट भी। अंकल ने पहले सारा का सारा सामान रख रखा था अलग से, अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। फटाफट से ये बॉक्स में देखते हैं हमें क्या क्या मिलने वाला है। हमें बाउल मिल चुका है, इसको कहाँ रखा जाए, यहाँ पर बाउल रखने की जगह तो दिख नहीं रही, यहाँ पर रख देता हूँ, ये सही रहेगा। और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलने वाला है। एक और बाउल, दो बाउल में क्या करेंगे हम, दोनों बाउल यहाँ पर रख दिए। मुझे देखने तो इसमें क्या है। अबे ये क्या चीज है, यहाँ पर ये अजीब सा कुछ टूल आ चुका है, एकदम तलवार जैसा। एनीवेकी में एक और। अबे ये क्या चीज है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं शिनचैन तू रखता रहे, मेरे ख्याल से ये यहाँ पर रखने का है। तो गाइस अभी हमने सारा का सारा सामान यहाँ से निकाल लिया है, अब अपने टैब में जाएंगे और अपना रेस्टोरेंट फटाफट से खोल लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये सबसे पहला मेन्यू में ऑप्शन आ चुका है, इसको कर देंगे हम पिन। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे सारा का सारा सामान आ चुका है जो कि हमें बनाना है, और अब हमें जाना पड़ेगा सुपरमार्केट। मुझे सारा का सारा काम करना पड़ रहा है, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। इसको अभी हम यहाँ से मूव करके इधर रखने वाले, पता नहीं क्यों ये बीच पड़ा था। लेट्स गो फटाफट से यहाँ से बाहर निकलते। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं अपनी चिकन शॉप, बचर शॉप, जहाँ पे सारी की सारी चीजें मिलती है, और हमें यहाँ पे रिब आई चाहिए, पता नहीं क्या होता है। यहाँ पे फटाफट से ले लेते, इनको पैसे देते, और हमारी रिब आई हमें मिल चुकी है। पता नहीं एक ली मैंने, कितनी ली मुझे पता नहीं। फटाफट से चलते हैं अंदर और इसको यहाँ पर रख देते। अब हम जाएंगे अपने लिए सब्जियां लेने, तो देखते हैं हमें कौन कौन सी सब्जियां यहाँ पर लेनी है। सबसे पहले हमें चाहिए टमाटो, टमाटो यहाँ पर मिल चुके हैं 3-4-5,
एक काम करते हैं, 7 टमाटो यहाँ पर ले लेते, बाकी सारी चीजें तो अभी लॉक ही है। ओके ये भी है यहाँ पर, ये भी ले लेंगे और बाकी की सारी चीजें हमारे लिए लॉक है। तो फटाफट से यहाँ पर इनको पैसे देंगे और डब्बा में मिल चुका है, इसको फटाफट से लेके चलते अपने रेस्टोरेंट में। तो गाइस सर, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा हार्ड होने वाला है, पर हम इसको कंप्लीट करके रहेंगे। अब फटाफट से इसको खोलते हैं, इसके अंदर क्या है, और गाइस सर फटाफट से अपना लेते हैं नाइफ और इसको काट देते हैं बिल्कुल बढ़िया बढ़िया स्लाइसेस में। वापस से नाइफ रख देंगे, एक रिबाई की स्लाइस उठाएंगे इधर रखेंगे, और हमें चाहिए कोल, तो फटाफट से कोल भी यहाँ पर डाल देते हैं। ये कहाँ जा रहा है कोल, तो सारा का सारा कोल भी हमने यहाँ पर डाल दिया है, और अब इसको जलाया कैसे जाए। तो गाइस सर मुझे लगता है उससे पहले हमको इसमें थोड़ा सा नमक मिर्ची डालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर अपन डालेंगे 1, 2, 3 3 ग्राम हमने यहाँ पर नमक डाल दिया, और यहाँ पर ब्लैक पेपर भी चाहिए, इसको भी फटाफट डालते हैं 1, 2, 3 3 ग्राम यहाँ पर ब्लैक पेपर भी हो चुका है डन। अब फटाफट से इसको उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। अब फटाफट से ये भी इसके अंदर डाल दे थोड़ी सी लकड़ियां ताकि ये जल्दी से जल जाए, और यहाँ पर अपन लगाएंगे अपना लाइटर और ये डन। अब अभी हमें चाहिए टमाटर, टमाटर का है मेरा टमाटर इसमें से निकालना पड़ेगा, ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। यहाँ पर फटाफट से इसको कर देते एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई। और जब तक टमेटो हो रहा है गरम, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट होने वाला है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। 30 दिन का हमारे पास टाइम है, और उसमें हम एक ऐसा खतरनाक रेस्टोरेंट बनाना है ताकि हम जीत पाए $100 मिलियन। और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा टमाटर हो चुका है गरम, फटाफट से इसको उठाएंगे यहाँ पर रखेंगे, अपना चाकू लेंगे और इसको काट देंगे। लेट्स गो, फटाफट से इस टमाटर के हमने कट दिए हैं पीसेस, इसको रख देते हैं। अब अपनी रिबाई भी यहाँ पर अपन पकाने के लिए रख देंगे। लेट्स गो, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर पकने लग चुकी हैं। और सबसे पहला कस्टमर हमारा ये अंकल होने वाला है जो कि आयरन मैन ने भेजा था। इसको फटाफट से फ्लिप भी कर देते हैं, दोनों जगह से हमें इसको ढंग से पूरा का पूरा फ्राई करना पड़ेगा, फ्लिप करना यहाँ पे। अगर हमने फ्लिप नहीं किया तो ये पूरा का पूरा जल जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी इसको करने देते हैं, गरम हो जाएगा, फिर हम इन अंकल को खाना खिलाएंगे। मुझे कहने दो, ये मजा आ रहा है। अबे शिनचैन ये खेलने की चीज नहीं है, ये शिनचैन तो खेलने लग गया। तो गाइस सर यहाँ पर ये हमारा बन चुका है, इसको फटाफट से यहाँ पर रखते हैं। अब हमें चाहिए एक खतरनाक सी प्लेट, कौन सी प्लेट ली जाए, गोल स्क्वायर की, ये गोल ही अच्छी लग रही है। तो फटाफट से इधर प्लेट को रखते हैं, इसके ऊपर रखेंगे अपना रिब आय, और इसमें हम देंगे साथ में इसके टमाटर। तो गाइस सर यहाँ पर हमारी प्लेट पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है, और इन अंकल को फटाफट से खाना खिला देते हैं। और चाचा आ जाओ, फटाफट से इनको इनका खाना दे देते हैं। मुझे लगता है इसके अंदर मुझे रखना है, तो फटाफट से यहाँ पर कर देंगे हम सर्व। और गाइजर आखिरकार हमारा डन हो चुका है, इतनी देर करने के बाद सिर्फ एक मील हमने बनाया है, 100% बेकिंग, 96% इंग्रेडिएंट्स। अभी मैंने तो सब दिया था, क्या हो गया चाचा। और ये अंकल यहाँ पर अभी खाना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो गाइजर फटाफट देखते हैं अंकल को कैसा लगा, इनको चाहिए बिल। और गाइजर हमने अपने सबसे पहले $100 कमा लिए हैं, और अपनी प्लेट को भी धोना पड़ेगा साथ में। हमारा सबसे पहला कस्टमर यहाँ पर आ चुका है, फटाफट से अपनी प्लेट को भी धो डालते हैं, क्योंकि सारा काम हमें करना पड़ेगा। बाद में हम जने हायर कर सकते हैं, पर अभी हमें सब का सब करना पड़ेगा। तो गाइस सर फटाफट से अपने स्टोर को कर देते हैं यहाँ पर ओपन, अपने स्टोर को नहीं अपने रेस्टोरेंट को। अरे विक्की मैं फाइनली ओपन हो गया। हाँ शिनचैन फाइनली ओपन हो गया, और ये क्या, मैंने अपने नेम प्लेट पर अपना नाम तो लिखा ही नहीं, नाम भी लिखना जरूरी है, पर यहाँ पर कस्टमर आ चुका है, क्या करूं। इन अंकल को चाहिए यहाँ पर खाना, फटाफट से अपन प्लेट उठाते हैं, कौन सी स्क्वायर वाली प्लेट अंकल को देंगे। ये लो चाचा इधर बैठ जाओ फटाफट से, ओ प्लेट तो अपने आप ही ले ली। ओके प्लेट पता नहीं कैसे अपने आप ले ली, और इन अंकल को भी खाना चाहिए। तो गाइस सर अभी अपना अगला हमें फ्राई होने के लिए सब लगा देना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी अगर कस्टमर आ गए तो इनको हम दे नहीं पाएंगे। तो फटाफट से यहाँ पर चलते हैं, हेलो अंकल क्या हो गया, इनको फटाफट से बिल ले लेते हैं $100, प्लेट उठाएंगे प्लेट धोएंगे, ये तो बहुत ही बढ़िया काम है। वैसे प्लेट में सारी की सारी बाद में एक साथ भी धो सकता हूँ, पर अभी फटाफट से इसको रखते हैं, और इन अंकल ने भी खाना खा लिया, हेलो बिल देने के थैंक यू, बहुत बढ़िया शुक्रिया, थैंक यू अंकल। और गाइस सर यहाँ पर हमारी एक और प्लेट हमें रख चुकी है, और यहाँ पर हमारा कोल खत्म हो चुका है, तो फटाफट से इसके अंदर डालेंगे बहुत सारा कोल, और इसके अंदर ये भी फटाफट से डाल देते हैं, और ये डन, लाइटर लगा के इसको जला देंगे। तो गाइस सर मुझे लगता है वहां पे खाना खत्म हो चुका है, तो क्योंकि वो यहाँ पर बंद हो चुका है, इन अंकल ने खाना खा लिया, और मुझे लगता है मुझे स्टोर को करना पड़ेगा क्लोज। हेलो अंकल थैंक यू $100 के लिए। अरे अंकल थोड़ी देर रुको यार, अभी मैं अकेला ही जना हूं यार, कैसे जल्दी जल्दी करूं, टमाटर का टमाटर टमाटर
टमाटर फटाफट से रख देते हैं यहाँ पर ग्रिल पर, और अपनी अभी रिबाय बनने वाली मुझे लगता है ये अंकल तो जाने वाले। मैंने अपने स्टोर को क्लोज कर दिया क्योंकि हमें बहुत सारा सामान एडवांस में चाहिए होगा वरना ये सब का सब खराब हो सकता है। तो अभी यहाँ पर हमारी रिबाय बन चुकी है, इसको उठाएंगे यहाँ पर रखेंगे। इन अंकल को तो मुझे लगता नहीं है मैं कुछ भी दे पाऊंगा। अंकल सॉरी, आप घर पे जा सकते हो अपने। फटाफट से अपने फ्रिज को भी यहाँ पर बंद कर देते, और ये सारी की सारी चीजें फ्रिज में रखनी है। मैं क्या इधर ही पटक दी मैंने सारी सारी चीजें। अरे सॉरी अंकल, जाओ ना यहाँ से। तो यहाँ पर हमारा टमाटर भी बन चुका है, फटाफट से लेंगे अपन इस टमाटर को, काट डालते हैं। फटाफट से यहाँ पर हम लेंगे सॉल्ट, इसमें डालेंगे 1, इसमें डालेंगे 2, इसमें डालेंगे 3, डन। फटाफट से इसको डालते हैं और यहाँ पर ये ब्लैक पेपर भी ले लेते हैं 1। तो ये हमारा हो चुका है। हम यहाँ पर लेंगे अपने लिए बढ़िया सी प्लेट, यहाँ पर अपनी प्लेट रखते हैं, यहाँ पर ये रखेंगे, टमाटर रखेंगे और हमें चाहिए इसके 2 पीस। फटाफट से यहाँ पर रखते हैं 1 और ये 2। तो गाइज़र यहाँ पर हमारी सर वापस से होने वाली है, जल्दी जल्दी यहाँ पर रख देते हैं। बीफ वापस से सर्च 81% बेकिंग, 96% इंग्रेडिएंट, हीट 67%। फटाफट से वापस अपने स्टोर को ओपन कर देते हैं, एक दो कस्टमर आएगा तो भी चलेगा। और मैं जा रहा हूँ अपने लिए और भी मीट खरीदने क्योंकि सारा का सारा खत्म हो चुका है। एक ही बारी में हम जार लेने वाले हैं टोटल 800 रुपए का, बहुत महंगा है पर कोई बात नहीं, अपने रेस्टोरेंट को चलाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। फटाफट से चलते हैं अंदर, मैं आ गया। यहाँ पर अपना मीट रख देते हैं और इसको पकाने के लिए भी रख देते हैं। यहाँ पर रखेंगे मीट, यहाँ पर लेंगे चाकू, इसको फटाफट से काट डालते हैं और ये हो गए 2 स्लाइसेस में। इसको वापस रखेंगे, इसको लगा देते हैं अपने फ्राई होने और इसको भी फ्राई होने लगा देंगे साथ में। और वो अंकल का लगता है उन्होंने खाना खा लिया। थैंक यू अंकल, $100 बहुत ज्यादा पैसा हमें मिलता जा रहा है। इन दोनों को यहाँ पर फ्राई होने देते, साथ में टमाटर भी रख सकता हूँ कि मैं, टमाटर भी रख देंगे और एक और टमाटर रख देंगे। तो यहाँ पर ये हो चुका है डन, इसको फटाफट से करते हैं फ्लिप, इसको भी करते हैं फ्लिप, ये दोनों भी बन जाएंगे और इनका भी खाना हो चुका है। फटाफट से बिल लेते हैं, थैंक यू अंकल आने के लिए। तो गाइस यहाँ पर ये दोनों की दोनों रिबाय बनने वाली है और ये टोमेटो भी बनने वाले हैं। और यहाँ पर मुझे प्लेट्स भी उठानी है, वो तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था, और ये हमारी खराब ना हो जाए इसलिए इसको, अरे इसको क्या उठा लिया, इसको फटाफट से यहाँ पर रखते हैं और इसको भी रख देते हैं, और मेरा ये एक टमाटर इसको भी यहाँ पर फटाफट से रख देते हैं। और यहाँ पर कस्टमर्स आने लग चुके हैं, फटाफट से प्लेट यहाँ से उठा लेते वरना ये बोलेंगे गंदा कुछ खिला दिया। यहाँ पर टमाटर उठा के रख देते हैं, ये भी डन। और वापस से हमारा सारा का सारा खाना खत्म हो चुका है, तो फटाफट से यहाँ पर रखेंगे रे भाई टमाटर में काटना भूल गया, रुक जाओ इसको फटाफट से जल्दी से काट देंगे। इस टमाटर को उठाएंगे, इसमें से चाहिए हमें 2 पीस, फटाफट से ये भी ले लेंगे और ये प्लेट को फटाफट से रख देते हैं इसके अंदर सर्व। लेट्स गो, ये भी हो चुका है डन। और ये अंकल हमको देने वाले बिल, अरे ये लो अंकल, फटाफट से इनका बिल ले लेते हैं, थैंक यू थैंक यू। अब इन प्लेट्स को भी फटाफट से इधर रख दिया जाए, 1 2, ये 1 यहाँ से उठा लेते हैं। और गाइजर ये भी डन हो चुका है, ये टमाटर थोड़ा सा पका नहीं था, इसको वापस अपन यहाँ पर रख देंगे। धीरे धीरे अब हमें समझ आ रहा है कि हमें इस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए क्या करना है। मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ शिनचैन, मजा तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है। तो गाइस अगर आपको मजा आ रहा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर थोड़ी सी बर्तन धोने की बारी आ चुकी है, वैसे अपने डे को फिनिश कर सकते क्योंकि कस्टमर यहाँ पर आ नहीं रहे, तो फटाफट से अपने स्टोर को जाकर हम कर देंगे क्लोज और सारे के सारे बर्तन धो देते हैं क्योंकि लास्ट में बर्तन धोने का काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो फटाफट से सारे के सारे बर्तन हम धो देंगे। अपने टमाटो पूरे के ऊपर पक चुके हैं, ये दोनों तो हमारा रह गए, पता नहीं इनका क्या होगा, लगता है वेस्ट होने वाले हैं। मैं चाहता नहीं हूँ वेस्ट हुए, पर देखते कुछ ना कुछ कर लेंगे। फटाफट से इनको करते हैं वॉश। यहाँ पर 9 प्लेट्स हो चुकी है और 1 प्लेट गायब है, पता नहीं कहाँ पर, मुझे लगता है ये हो सकती है। तो गाइस जितना ये खाना बचा है हम इसको डाल देंगे वापस से फ्रिज के अंदर, ये ठंडा हो जाएगा। और ये जो बचा है इसको शायद हटाना ही पड़ेगा, हमने इसको हटा दिया है और इसको भी डालेंगे। ये आखिरी प्लेट हमारी धोने की, फटाफट से इसको धो देते हैं। अरे बेकी मैं, आप तो बहुत अच्छे धोने का काम करते हो। हाँ शिनचैन, मैं कुछ तो काम करता हूँ, तेरी तरह नहीं हूँ। तो गाइस इसी के साथ ये सब का सब डन हो चुका है, ये ग्रिल अभी भी चले जा रही है। कल सुबह हमें इसके लिए सारा कोल और वो सब की सब चीजें चाहिए, टमाटो और बाकी सारी चीजें। रुक, यहाँ पर ये मुझे बॉक्स खाली करना है, इसके अंदर जो भी चीजें वो सारी की सारी फ्रिज में रखनी पड़ेगी। फटाफट से उठा उठा के यहाँ पर रख देते हैं। तो इस वाले बॉक्स में हमारा सारा का सारा मीट पड़ा है तो उसको भी हम निकालने वाले हैं। तो फटाफट से यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, और ये डन। तो गाइस मेरे पास ज्यादा मीट तो था नहीं, 3 पीसेस थे, हमने वो सारे के सारे रख दिए। अब बारी आ चुकी है घर जाने की क्योंकि आज का काम हमारा हो चुका है। एक सेकंड, झाड़ू पोछा हर चीज मैं कर रहा हूँ, ये शिनचैन का बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा। फटाफट से इसको डालेंगे कचरे में और ये भी करते हैं डन। तो गाइस हमारा स्टोर पूरा क्लीन हो चुका है और अब स्टोर भी क्लोज हो चुका है। तो मैं जा रहा हूँ अपने घर पर सोने क्योंकि आज का हमारा डे हो चुका है खत्म, लेट्स गो। और गाइस हमें अपना नया घर भी मिल चुका है क्योंकि हम सिटी की दूसरी साइड है, मैं तो बार बार अपने घर पर नहीं जा सकता। तो चलो फटाफट से सो जाते हैं। तो आज थी हमारी टोटल 800 की अर्निंग्स और साथ में डेली एक्सपेंस
उसमें से हमारा 2000 का हो गया, वो अलग बात है। 8 जनों को हमने अपना फ्रूट खिलाया, तो लेट्स गो फटाफट से चलते सो जाते हैं। तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है और हमारा डे 2 भी आ चुका है। ये हमारा प्यारा सा घर है, सामने हमारा प्यारा सा रेस्टोरेंट है। तो फटाफट से कमेंट करके बता दो हमारा डे 1 आपको कैसा लगा। ये अंकल पता नहीं यहाँ पर कौन आ चुके हैं। अब हम अपने रेस्टोरेंट को ओपन करेंगे कल यानी डे 2 पर। आज डे 2 है पर वो आपको कल दिखेगा। तो फटाफट से कमेंट कर दो अगर आपको इसके और भी एपिसोड चाहिए, क्योंकि मैं तो इस रेस्टोरेंट को पूरे के पूरे 30 दिन चलाने वाला हूँ, जैसा कि आयरन मैन का चैलेंज है। और मैं इस रेस्टोरेंट को सबसे बड़ा रेस्टोरेंट बना के रहूंगा और उस ट्रेवर को हरा के $100 मिलियन हम जीत के रहेंगे। जब हमारा रेस्टोरेंट ओपन हुआ था हमारे पास कुछ नहीं था, पर अब धीरे धीरे सबका सब बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे ही अपने रेस्टोरेंट को दुनिया का सबसे खतरनाक रेस्टोरेंट बना देंगे सिर्फ 30 दिन में। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं लगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टा और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके जाना, फॉलो करना। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।